सीटू का 3 दिवसीय कार्यक्रम रीवा के सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत रैली से की गई और गुरुवार को इसका समापन हुआ। इस दौरान 3 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वहीं आगामी 3-3 वर्षों के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की गई। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की गई, क्या कमियां रह गई थी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोश पैदा करना है और लोगों को संगठन के साथ जोड़ना है। इन सभी बिंदुओं के साथ कई मुद्दों पर प्रदेश देश की स्थितियों के संबंध में चर्चा की गई। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। ये जो पैनल आपके बीच में है, किसी का कोई सुझाव तो नहीं है? किसी का कोई सुझाव हो तो आप उठाकर बता सकते हैं, कोई सुझाव हो? देखिए, परसों तो रैली और आमसभा थी, उसके बाद हमारे सम्मेलन का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय नेता के भाषण से हुआ। उसके बाद महासचिव ने पूरे 3 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा, प्रदेश की परिस्थिति, हमारे सामने चुनौतियां, हमारी कमजोरियां और आने वाले कार्यभारों के बारे में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। उस दस्तावेज पर हर ज़िले के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से लोगों ने अपने अपने ज़िले की और यूनियन के स्तर पर बहस की उस दस्तावेज पर, और करीब 62 लोगों ने उस बहस में हिस्सा लिया। और हमारा संगठन जनवादी तरीके से काम करता तो सिर्फ कहता नहीं है, सम्मेलन के अंदर जनवाद है हमारे। और उस सम्मेलन में आज हमने मजदूर किसान मैत्री के ऊपर, सांप्रदायिकता के बारे में, महंगाई के खिलाफ, हमने दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के विरोध में प्रस्ताव पारित किए। उन प्रस्तावों के बारे में आने वाले समय में जो प्रस्ताव पारित हुए, इसके आधार पर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करेंगे। तो अभी ये जो कार्यभार है, उस कार्यभार को अंतिम रूप दे रहे हैं हम लोग, और इन कार्यभारों के आधार पर आने वाले 3 साल में हम सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, आम जनता विरोधी नीति है, महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ाने वाली जो नीति है, और आपस में बंटवारा करने वाला, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, वोट की राजनीति के आधार पर जो गरीबों को जो लुट रहे हैं, उनको बांट कर जो पीटने की राजनीति है सरकार की या इन पार्टियों की, उसके खिलाफ मुकम्मल संघर्ष करेंगे, ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हमारे यहाँ सम्मेलन में निर्वाचन का काम भी पूरा होगा, तो उस निर्वाचन में जो लोग निर्वाचित होंगे उनके बारे में जानकारी हम बाद में देंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।